बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है जी अलकरम। अलकरम का विज़िट किया है आज और आपको दिखाती हूँ न्यू विंटर कलेक्शन। और ये सारा जो है इसका लग्जरी है, फॉर्मल। जैसे आजकल वेडिंग का सीज़न है तो कुछ जोड़े फॉर्मल दिखा रही हूँ। इनको देखिए, हाईली प्राइस्ड हैं, ये कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं। 10,990, 26,990, इसी तरह से इनकी भी कीमतें जो है ना वो मिलती जुलती हैं। और ये जो है 27,990, लेकिन एक झलक न्यू विंटर कलेक्शन दिखाने से पहले आपको लग्जरी सूट की दिखाई। और ये जो है सिल्क, ये सिल्क है अलकरम का, 5,490 में। अच्छे खूबसूरत जोड़े आए हुए हैं, न्यू कलेक्शन है सारी। अभी आपको सर्दियों के भी दिखाती हूँ, जिसमें खद्दर है, मिड समर कॉटन है, और उसके साथ साथ कुछ आइटम जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन वाले जो पड़े हुए हैं लॉन के भी, 6,590 में। ये कढ़ाई वाला है, ये वाइट वाली कढ़ाई हुई हुई है और कॉटन पे है ये मिड समर कॉटन, नॉट विंटर, नॉट समर, मिड समर। इसी रेंज में हैं ये सारे जोड़े और इन पे इसी तरह से कढ़ाई हुई हुई है, अच्छे खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ हैं। पाँच हज़ार समथिंग। ये है जी खद्दर, खद्दर के कपड़े हैं जो न्यू अरावल हैं, सर्दियों के लिए हैं और प्रिंटेड हैं। यानी अलकरम का प्रिंटेड थ्री पीस सूट जो है वो 5,600 कुछ के प्राइस में मिलेगा आपको। जो 5,000 के ऊपर के जो फिगर है ना, उनमें मे भी 19-20 का कोई फ़र्क हो, अगर कहीं नज़र आता है तो मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज़ ये इसी रेंज में है। ये टू पीस हैं जी, 2,890 खद्दर के जो टू पीस हैं वो 2,890 में हैं। ये खद्दर है, मुलायम खद्दर है थोड़ा, इनका वो वाला थिक वाला खद्दर नहीं है, अच्छा खद्दर है। 2,890 टू पीस का और 5,600 समथिंग जो है वो थ्री पीस का। ये जी कढ़ाई वाले हैं, कढ़ाई हुई हुई है इन पे, ये सब कढ़ाई है ब्लैक के ऊपर। इनकी प्राइस देख लेते हैं, 6,490, 8,490 में ये वाला सूट है, अच्छा खूबसूरत सूट है। नेकलाइन इसका बना हुआ है और ये थोड़ा वुलन टाइप का कपड़ा है, उसके ऊपर है नॉट ओनली खदर, ये इनका स्टफ़ और है। ये स्टफ़ वैसे ही महंगा होता है, यानी एम्ब्रॉयडरी के बगैर ही ये जो स्टफ़ है ना वो थोड़ा कॉस्टली होता है। 4,490 प्रिंटेड में, वुलन शॉल्स हैं इनके साथ, 7,990 ऑरेंज वाला। चाय रख दो बेटा। बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में, बड़े ब्राइट से कलर हैं अलकरम के, न्यू अरावल हैं, अच्छा स्टॉक है। आपको प्राइसेस के साथ बता रही हूँ। वीडियो का फीडबैक ज़रूर दिया करें, मैसेजेस नहीं आ रहे होते आपके तो थोड़ा मुझे नामुकम्मल सा काम लगता है। 4,890 ये थ्री पीस का है जी, 4,890। ये जैकॉर्ड है और जैकॉर्ड भी बड़ी खूबसूरत सी जैकॉर्ड है, मुलायम सी अच्छी। खद्दर भी है और ये तो वो है। 40% ऑफ पे ये विंटर के कपड़े पड़े हुए थे इनके पास, वास और नाव का बताया हुआ है, देख लें आप इसको। इसी तरह से ये भी 40% ऑफ है। कढ़ाई वाले थे ये सारे कपड़े, हैवी वाले, हैवी जो भारी कपड़े होते हैं वो अलकरम पे हैं जी। ये भी मिड समर
टू पीस 4000 समथिंग। न्यू अरेवल हैं सारे ये, इन पे किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं है। ये देखें अच्छे हैं ऊपर वाले दोनों सूट, ब्लैक भी अच्छा लग रहा है। ₹2590 टू पीस, ये टू पीस में है ₹2590। ये भी टू पीस हैं, ये भी टू पीस हैं सारे। अच्छे नहीं लगते उलझे हुए कपड़े ना इनके, कुछ लोग देखते हैं तो फिर उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। लिखी नहीं हुई प्राइसिंग की, नहीं मैं अच्छा। सिंगल शर्ट्स हैं ये 1290 में, सिंगल शर्ट। ये सारी जो लगी हुई हैं ये शर्ट्स लगी हुई हैं विंटर की। कॉटन से थोड़ा थिक स्टफ है इसका और खद्दर से थोड़ा कुछ, तो खद्दर, ये तो खद्दर के ही हैं। ये देखते हैं जर्सी। अच्छा ये मजे की चीज़ है जी, यहाँ पे स्वेटर्स, जर्सियाँ, खारीगन सब कुछ है यहाँ पे 50% ऑफ पे। जो भी इनका लास्ट ईयर का स्टॉक था वो यहाँ पे इन्होंने 50% ऑफ पे लगा दिया। और मुझे लग रहा है कुछ दिन गुजरेंगे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो ये 50% वाला जो है ना स्टिकर वो उतर जाएगा और ये फिर अपनी ही पुरानी कीमत में चली जाएंगे। लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और ये 40% वाले कुछ पीस हैं, इनमें ज़्यादातर स्लीवलेस स्वेटर्स थे और अच्छे हैं। कुछ तो लैम वूल में थे और कुछ एक्रेलिक में भी थे। और ये जी बेडशीट्स हैं, थोड़ा सा सरसरी रिव्यू दे रही हूँ आपको, जो कि 50% ऑफ पे हैं। स्टिच है सारा स्टॉक पड़ा हुआ। ये न्यू अरेवल हैं प्रिंटेड टू पीस। डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है मुल्तान गुलगश्त में अलकरम के आउटलेट पे वो आपको दिखाया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया सब बहनों का, चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और अच्छे व्यूज़ के साथ अच्छा फीडबैक आ रहा है आपकी तरफ से, तो मैं भी बहुत लगन से काम करती हूँ। वीडियो में वक्फा आ जाता है इसलिए कि मैं वर्किंग लेडी हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो सम टाइम में टाइम नहीं निकाल पाती, क्योंकि ये ऐसा काम तो है नहीं जो जॉब से आके बंदा घर बैठ के कर ले। इसके लिए फिर मुझे बाकायदा जाना पड़ता है और वीडियोस बनानी पड़ती हैं जिससे जिसके लिए मुझे काफ़ी टाइम दरकार होता है। और फिर साहब का भी मूड हो तो ले जाए, ना हो तो फिर वो उस तरह से तो नहीं ना जैसे खुद बंदा काम कर ले। अच्छा इन पर भी ऑफ लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है।